वेलकम टू लिब्रा मोटिव। आज फिर से हम लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप अपने लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के लेवल का पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेवी दशमलव वर्गीकरण मानव ज्ञान को विभाजित करता है। डेवी दशमलव है DDC जो है हमारे मानव ज्ञान को कितने भागों में विभाजित करता है। DDC हमारा मानव ज्ञान को 10 बुनियादी श्रेणियों में विभाजित करता है, 10 मेन क्लासेस में इसको विभाजित करता है DDC। टू है, किसी पुस्तक की कॉल संख्या का अर्थ है। कॉल नंबर का मतलब क्या होता है? कॉल नंबर का मतलब होता है पुस्तक संख्या, बुक नंबर और वर्ग संख्या। बुक नंबर और क्लास नंबर को मिलाकर कॉल नंबर बनाया जाता है। तो किसी पुस्तक का कॉल संख्या का अर्थ होता है बुक संख्या और वर्ग संख्या। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परिग्रहण संख्या क्या है? परिग्रहण संख्या क्या है? तो परिग्रहण संख्या का मतलब होता है किसी विशेष पुस्तकालय के अंदर किसी पुस्तक के लिए अद्वितीय संख्या, यानी किसी विशेष पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर फोर, ISSN में कितने अंक होते हैं? ISSN में हमारे टोटल 8 अंक होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेल्फ लिस्ट क्या है? सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? सेल्फ लिस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा स्टॉक वेरिफिकेशन में किया जाता है। स्टॉक सत्यापन में सेल्फ लिस्ट का महत्वपूर्ण उपयोग है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सही व्यक्ति को सही जगह पर पोस्ट करना क्या कहलाता है? सही व्यक्ति को सही जगह पर नियुक्त करने का क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं भर्ती। क्वेश्चन नंबर सेवन, TQM भागीदारी प्रबंधन को नियोजित करते हुए निरंतर सुधार की एक प्रणाली है और यह डैश की ज़रूरतों पर केंद्रित है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है प्रबंधन को नियोजित यानी मैनेजमेंट प्लानिंग करते हुए निरंतर सुधार की एक प्रणाली है और यह किन ज़रूरतों पर केंद्रित है? तो यह संगठन की ज़रूरतों पर केंद्रित होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, पुस्तकालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता दो प्रकार की होती है। वित्तीय सहायता जो होती है हमारी पुस्तकालयों को दी जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक आवर्ती और दूसरा धर्मश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, अधिकतम समग्र लाभ के सिद्धांत का संबंध है, ऑप्शन सी, पुस्तकालय सेवा से। अधिकतम समग्र लाभ के सिद्धांत का संबंध पुस्तकालय सेवा से है। नंबर टेन, डैश निधियों के आवंटन के लिए कार्यशील डेटा के रूप में पुस्तकालयों के लिए व्यय मदों को लेता है। व्यय मदों को कौन से डेटा के रूप में लेता है, किस निधि के आवंटन के रूप में? तो ऑप्शन डी, पुस्तकालय बजट के निधियों के आवंटन के लिए कार्यशील डेटा के रूप में पुस्तकालयों के लिए व्यय मदों को लेता है।